हम अतीत से भाग नहीं सकते। तुम्हारा यह मिशन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और
सिंह के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जीन के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है, जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है, जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद
सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है, जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है, जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी।
और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली।
जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रोगी संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिन वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरान ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और फिल्म और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया।
जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।
इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी
मिलने के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफेल से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिन के साथियों को जाल में फंसाया और जिन के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा चूरा गौमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019, भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020, पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022, पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के
जघन्य हमले की योजना बनाएगा पठान को धोखा देने के लिए। अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबायो को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबायो को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबायो ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरान ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
यह पता चलता है कि जीम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद
सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिनके आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किली से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित। रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है, जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है, जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी।
और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिको के काफिले पर हमला करता और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरन ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है जहाँ वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली।
जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रोग संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिन वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉय एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया।
जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरान ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और फिल्म और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक
केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्तबीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्तबीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी
के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के
जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किली से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबायो को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबायो को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबायो ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबायो मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबायो ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबायो एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबायो जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबायो ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबायो ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
यह पता चलता है कि जीम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किली से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद
सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जीम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जीम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जीम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है, जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है, जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी।
और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरान ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली।
जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रोग संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिन वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किली से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा गौमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया।
जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व आईएसआई एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जान में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नन्नी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है जिसे जीम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और फिल्म और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक
केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लूथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घोमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। 2019, भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020, पठान एक रॉ एजेंट है जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रो के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरा ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्ची की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्तबीज नामक कोडवर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्तबीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022, पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं और बड़ी मुश्किल से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबाई को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदिनी
के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबाई को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाई ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबाई ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्त बीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। फिल्म पठान देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। 2019 भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। यह खबर कैंसर से पीड़ित पाकिस्तान सेना के जनरल कादिर को प्रभावित करती है, जो भारत के खिलाफ बदला लेने का फैसला करता है और जिम के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जो आउटफिट एक्स नामक एक निजी आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। 2020 पठान एक रॉ एजेंट है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर पूर्व रॉ एजेंट और सैनिकों को भर्ती कराने के लिए संयुक्त संचालन और गुप्त अनुसंधान नामक एक इकाई खोली, जिन्हें पिछले आघात के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। चोट लगी है, लेकिन देश की सेवा जारी रखना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथरा की स्वीकृति के साथ पठान और उनकी टीम एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति पर हमला करने की आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं को रोकने के लिए दुबई जाते हैं। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वास्तविक योजना दो वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर साहनी का अपहरण करने की थी, और राष्ट्रपति पर आसन्न हमले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वह उन्हें गुमराह करने की एक चाल थी। जिम वैज्ञानिकों के काफिले पर हमला करता है और पठान उसे रोकने की कोशिश करता है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जिम डॉक्टर सानी के साथ भागने में सफल हो जाता है। एजेंसी में पूछताछ के दौरान लुथरान ने खुलासा किया कि जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था, जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब सरकार द्वारा भुगतान करने से इनकार करने के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और अजन्म बच्चे की हत्या कर दी थी, तब एजेंसी उसका शव नहीं ढूंढ पाई थी। 2003 में फिरौती की मांग की गई थी। उसके अपने परिवार को नहीं बचाने के लिए एजेंसी और देश के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जाहिर तौर पर अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। इस बीच पठान को रक्त बीज नामक कोड वर्ड के बारे में पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि दुबई में मृत लोग पूर्व एजेंट थे और उनका पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन के खाते में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां उसे यह भी पता चलता है कि रुबाई एक पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम अपना ठिकाना छोड़ देता है, रुबाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई ने खुलासा किया कि रक्त बीज मॉस्को में है, जहां वे जिम से पहले इसे चुराने के लिए यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई ने पठान को धोखा दिया और उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पता चलता है कि जिम ने रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रक्त बीज चुराने के लिए किया था। पठान को पकड़ लिया गया, प्रताड़ित किया गया और ट्रेन से जेल ले जाया गया, लेकिन टाइगर ने उसे बचा लिया। 2022 पठान ने अफ्रीका की यात्रा की और जिम के गुर्गे राफे को पकड़ लिया। वह नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सवेरे मिसाइल खरीदने के बारे में खुलासा करता है, जबकि नंदिनी पेरिस में रुबाई के स्थान पर खुलासा करती है। पठान रुबाई से मिलता है, जो बताती है कि रक्त बीज एक उत्परिवर्ती चकचक वायरस है, जिसे जिम के आदेश के तहत एक बंदी डॉक्टर साहनी द्वारा जबरन विकसित किया गया था। वह जाने बिना कि उसका देश इस तरह के
जघन्य हमले की योजना बनाएगा। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करती है। वे साइबेरिया में जिम की प्रयोगशाला की यात्रा करते और बड़ी मुश्किली से वायरस वाले एक गोले को पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, जबकि जिम दूसरे गोले के साथ भाग जाता है। लुथरा और नंदनी टीका विकसित करने के लिए गोला को वापस भारत ले जाने के लिए जिम की प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथरा ने रुबायो को भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय संक्रमित रोग संस्थान में डॉक्टर फारूकी की स्पष्ट रूप से कुछ भी पाए बिना नंदनी के लिए गोला खुलते हैं। जिम उन्हें कॉल करता है और बताता है कि ऑर्ब ने पहले ही सुविधा में वायरस फैला दिया है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मार कर मर जाते हैं। बाद में नियंत्रित विस्फोटक में सुविधा नष्ट हो जाती है। जिम 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालने का अल्टीमेट देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित रुबायो को बचाने के बाद उन्होंने जिम के साथियों को जाल में फंसाया और फिल्म और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस युक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबायो ने कादिर को मार डाला। पठान जेट पैक के साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों एक केबिन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबायो मिसाइल को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रक्तबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों से भरे हवाई जहाज में है जो दिल्ली में उतरने वाला है। रुबायो ने पठान को सूचित किया, जिसे पता चला कि जिम के पास डेटोनेटर है। लुथरा ने विमान को दिल्ली में उतारने से रोकने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण को फोन किया। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केबिन चट्टान से फिसलने लगता है। जिम द्वारा छुरा घूमने के बावजूद पठान ने डेटोनेटर चुरा लिया, रक्तबीज को निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने वाली थी। बाद में पठान को रोम में बहाल कर दिया गया और जो OCR का प्रमुख बना दिया गया, जबकि नंदनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मिड क्रेडिट दृश्य में पठान और टाइगर सेवानिवृत्त होने के बारे में विचार करते हुए और युवा एजेंटों का सुझाव देते हुए दिखाई देता है जो उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन अतः तो खुद ही खतरों से लड़ने रहने का फैसला करते हैं। बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।